संकल्प समीर संस्थान द्वारा रविवार को शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार गजल एवं गीतकार सुरेंद्र शास्त्री को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीपी श्रीवास्तव, आज समाचार पत्र के प्रबंधक संपादक अखिलेश चंद्र, डॉक्टर आधा प्रसाद द्विवेदी, राजेश राज, श्रीधर मिश्रा सहित अन्य साहित्यकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि साहित्यकार समाज के आईना होते हैं, समाज सुधार में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए संस्थान के सचिव सुधीर श्रीवास्तव ने कहा। और लेकिन देयरिन बाई अवर क्रिएटिविटी वी कैन गो टू द कॉमन वेलफेयर, मतलब उस क्रिएटिविटी से हम मानव कल्याण की दिशा में काम करते रहते हैं, जो हमारे ज्ञान संपदा में अभिवृद्धि के प्राग पश्चात बौद्धिक संपदा है, इसकी न्यायिक पहल करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इस दुनिया में जितने तमाम क्षेत्र दिख रहे हैं, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे कविता का क्षेत्र हो, यहाँ वे ही मूर्तियाँ हैं जो परिपक्व मैच्योर प्रौढ़ता, शेक्सपियर ने कहा ना राइटनेस इज मैच्योरिटी इज एवरीथिंग, प्रौढ़ता सब कुछ, जो प्रौढ़ समाज है इसका सम्मान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रौढ़ता जो है तमाम अनुभूतियों और तमाम जानकारियों के बाद परिपक्व होती है, और इस परिपक्वता का लाभ आप सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, जब उनकी सम्मान सम्मान सम्मानित अनुभूतियों को सम्मान किया जाता है। एक चीज और है, ये दिशा कैसे तय होती है कि हम साहित्य सृजन ही करेंगे या डा विंची ने मोनालिसा बनाया, उसका भाव समय एक ही बार वो कृति बना सकता था, मंदस्मिता मोनालिसा, आज तक समझ नहीं पाया उसकी राष्ट्रीय, लेकिन वह भाव संवेग उसका मोनालिसा बनाता है। बुद्ध का तारुणिक इमोशन जो है वो हंस की शुश्रूषा करता है, हंस घायलों के मिलता उसका चिकित्सा करता है, उसके अंदर का जो पैशन था वो देखिए वहाँ पर करुणा उनकी जगी, उन्होंने हंस का शुश्रूषा किया और हंस झगड़ा हो गया। लेकिन वही बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो वो मानव दिशा में क्या कार्य करते हैं, सम्यक दर्शन की प्रस्तुति करते हैं, सम्यक वाचा, सम्यक व्यायाम, यहाँ पर जो सम्यक दर्शन समान ज्यादा। ये मेरा छोटा भाई जो अल्पायु में ही जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी पुण्य स्मृति में मैं शहर या शहर के बाहर के किसी अति वरिष्ठ रचनाकार को जो बिल्कुल नेपथ्य में रहकर अपना साहित्य साधना कर रहा हो उसको सम्मानित करके खुद सम्मानित होता हूँ। ये तीसरा था, सबसे पहले हमने 2018 में श्री के वी लाल कुंवर जो कि राष्ट्रीय स्तर के गीतकार हैं, बड़े मधुर गीतकार हैं, मैंने उनको सम्मानित किया। दूसरी बार 2019 में मैंने श्री सूर्यदेव पाठक पराग जो भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने करीब 1.5 दर्जन से अधिक भोजपुरी किताबों की रचना की है, मैंने उनको सम्मानित किया। और इस बार मैं ख्यातिलब्ध गजलकार, बड़े ही वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान सुरेंद्र शास्त्री जी को इस बार हम सम्मानित कर रहे हैं।